आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ग्रीसी पवार है और मैं आपके बीच अपनी वो पंक्तियाँ रखने वाली हूँ। जब मैं सोच रही थी अगर मैं लिखूँ तो भी लिखूँ क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लिखना क्या चाहिए। ना मुझे कोई कविता आ रही थी ना कोई विचार, तो इसीलिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है जिसका शीर्षक है अगर मैं लिखूँ तो भी क्या लिखूँ। अपने विचार लिखूँ या अपना हाल लिखूँ, अगर मैं लिखूँ तो भी क्या लिखूँ। अपने विचार लिखूँ या अपना हाल लिखूँ, कुछ अच्छे आचार लिखूँ या बिगड़ने का ख्याल लिखूँ, अगर मैं लिखूँ तो भी क्या लिखूँ। घर की तलाश लिखूँ या अपने ही हाथों उसका विनाश लिखूँ। जिंदगी की मिठास लिखूँ या अपने मन की खटास लिखूँ, अगर मैं लिखूँ तो भी क्या लिखूँ। जगत वेदना लिखूँ या खुद की सोई हुई संवेदना लिखूँ। जगत वेदना लिखूँ या खुद की सोई हुई संवेदना लिखूँ। सोचती हूँ तेरे लिए कुछ सवाल लिखूँ या तेरे अनकहे सवालों का जवाब लिखूँ, अगर मैं लिखूँ तो भी क्या लिखूँ। कोई नई फरियाद लिखूँ या फिर वही खोखली बुनियाद लिखूँ। किससे अनजान लिखूँ या कोई अनकही दास्तान लिखूँ, अगर मैं लिखूँ तो भी क्या लिखूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ शिकायत ही लिखते हैं, तो मैंने लिखा तू है यहीं कहीं, तू है यहीं कहीं फिर मुझे दिखता क्यों नहीं। तू है यहीं कहीं फिर मुझे दिखता क्यों नहीं। आवाज़ लगाती हूँ मैं, आवाज़ लगाती हूँ मैं, तू मेरी सुनता ही नहीं, अगर तू है यहीं कहीं फिर मुझे दिखता क्यों नहीं। ढूंढती हूँ तुझे इन खाली चेहरों में मैं, ढूंढती हूँ तुझे इन खाली चेहरों में मैं, तेरा चेहरा मुझे कभी दिखता ही नहीं। पीछे भागती हूँ तेरी, पीछे भागती हूँ तेरे, तू कभी रुकता क्यों नहीं, अगर तू है यहीं कहीं फिर मुझे दिखता क्यों नहीं। छोड़ जाती हूँ तुझे यूं ही मैं, छोड़ जाती हूँ तुझे यूं ही मैं, तू मुझे कभी रोकता भी नहीं, अगर तू है यहीं कहीं फिर मुझे दिखता क्यों नहीं। तू कहीं मेरा भ्रम तो नहीं, मेरे सिवा कोई तुझे जानता क्यों नहीं। कौन है तू, कहाँ है तू, मैं जानती नहीं। लोग कहते हैं मेरा भ्रम है तू, मैं मानती नहीं, पर सवाल आज भी वही, अगर तू है यहीं कहीं फिर मुझे दिखता क्यों नहीं, फिर मुझे दिखता क्यों नहीं। ये जो रचना है ये बस छोटी सी थोड़ी पंक्तियाँ है जो कि मेरे अभी पिछली पंक्तियों से हटके है। ये हम जैसे युवाओं के लिए है जो कभी कभी हमारा कुछ लक्ष्य होता है जो पूरा नहीं हो पाता है, बस उसी की उदासी में मैंने ये लिखा था। एक वक्त ऐसा भी था आया, एक वक्त ऐसा भी था आया जब मैंने उत्कृष्टता के उच्चतम शिखर को था पाना चाहा। एक वक्त ऐसा भी था आया जब मैंने उत्कृष्टता के उच्चतम शिखर को पाना था चाहा, पर नियति ने मेरी कुछ यूं मंजर दिखाया। मुझे ऊंचाई से औंधे मुंह था गिराया, क्या हो रहा था संग मेरे ना मैं समझ पाया ना किसी को समझा पाया। क्या हो रहा था संग मेरे ना मैं समझ पाया ना किसी को समझा पाया। दिल ने मेरे फिर भी ख्वाहिशों का शिखर सजाया, दिल ने मेरे फिर भी ख्वाहिशों का शिखर सजाया। धन्यवाद।